किसी भी साइज की जब हम कटोरी पाउच की कटिंग करते हैं, चाहे हम कपड़े में करें चाहे पेपर में करें, छोटी कटोरी पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद हम उसमें पफ के लिए यानी कि एक फुलाव के लिए उसमें मार्जिन ऐड करते हैं, जिससे यहाँ पर एक सही पफ आता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से कटोरी कटिंग करके बताऊंगा, जिसमें हमको छोटी कटोरी अलग से नहीं काटनी है, डायरेक्ट हम बड़ी कटोरी कटिंग करेंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। और कम कपड़े में भी हम अगर डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करते हैं तो कम कपड़े में भी आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा ये कोर वाला हिस्सा है। कटोरी की जब हम कटिंग करें तो हमें उरेब इस साइड से कटिंग करनी है। उरेब कटिंग करने से क्या होता है, कटोरी का एक सही फिटिंग आता है। अगर हम कटोरी का सीधी कटिंग करेंगे तो यह वाला हिस्सा जो है इसमें पफ भी सही नहीं बनेगा और कटोरी हमारी खिंचाएगी। लेकिन अगर हम उरेब कटिंग करते हैं तो पफ भी बहुत बढ़िया आता है और खिंच के बहुत ही सही जगह में पफ हमारा बनता है और कटोरी की फिटिंग बहुत बढ़िया आती है। तो आपको हमेशा कटोरी की कटिंग उरेब करनी है। हमको किसी भी साइज की कटोरी की कटिंग करने के लिए फ्रंट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास में होना जरूरी है। जब तक ये वाला हिस्सा हमारे पास में नहीं है, हम कटोरी का सही शेप नहीं ले सकते और कटोरी की कटिंग भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं उरेब कटिंग कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हमारा उरेब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे के साइड में यहाँ से सीधी ऐसे लाइन खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर से भी हम सीधा लाइन खींच लेंगे थोड़ा छोटा। अब इसमें हमको गला मेजरमेंट कर लेना है कि गला कितने इंच की हमको चाहिए। तो यहाँ ऊपर से टेप रख के मैं मान लो गला इसमें 6 इंच की कटिंग करना चाह रहा हूँ, तो 6.5 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा के आप सीधा यहाँ पर ऐसा खींच लीजिए। अब गले का फैलाव, गले का फैलाव हर साइज में अलग अलग होता है। छोटे साइज के ब्लाउज में मैं 2.5 इंच रखता हूँ और बड़े साइज के ब्लाउज में 2.75 इंच से लेके 3 इंच है, यानी कि टोटल जो इसका फैलाव होता है वो 2.5 इंच का डबल हो गया 5 इंच, और अगर हम 3 इंच लेते हैं तो उसका डबल हो गया 6 इंच, क्योंकि हम हाफ पोर्शन में कटिंग करते हैं तो हाफ ही लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले और भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ, अगर गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम प्रॉपर शोल्डर को सही तरीके से कटिंग करते हैं, शोल्डर का जो ज्वाइंट है उसको सही तरीके से जोड़ते हैं और यहाँ पर पाइपिंग इतने पोर्शन में ऊपर से इस साइड पीछे साइड में सही तरीके से हम खींच के लगाते हैं, तो कभी भी हमारा कंधा शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी 5 इंच की कटोरी कटिंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये छोटे साइज का रहता है, तो मैं यहाँ पर से इसको 2.5 इंच में यहाँ पर इसको मार्क करूंगा और मैं यहाँ पर से इसको गोल ले लेता हूँ ऐसे। अब इस साइड से मैं 5 इंच में निशान लगा लूंगा, क्योंकि मैं 5 इंच की कटोरी की कटिंग अभी कर रहा हूं, और इधर वाले हिस्से को यहां पर से राउंड जैसा ये फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा यहां पर ले लेता हूं और इस साइड यहां से यहां पर इसको स्केल से सीधा खींच लेता हूं। आप देखते रहिए मैं किस प्रकार से कटोरी की कटिंग कर रहा हूं डायरेक्ट कपड़े में। अब आप यहां से हटा लीजिए इसको, तो ये कटोरी देखिए छोटी कटोरी हमारी ये निकल गई है। अब इसका सेंटर 5 इंच का सेंटर हो जाएगा 2.5 इंच, ये 2.5 इंच में यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए, ये हमारा कटोरी का सेंटर है। अब हमको इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच, ये 1/2 इंच हमारा फ्रंट का ये वाला हिस्से का सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। इस साइड आप ले लीजिए 1/4 इंच, इस साइड भी 1/4 इंच, लेकिन इस साइड हमको 1 इंच ऊपर में निशान लगा लेना है यहां पर, क्योंकि यहां पर हमको बेल्ट का तिरछा शेप भी लेना है, इसकी वजह से मैंने यहां पर 1 इंच ऊपर लिया है। अब इसको इधर से मैं स्केल से मिला लूंगा और इस साइड को मैं राउंड सर्कल ले लूँगा। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कटोरी की कटिंग करके बता रहा हूँ, ऐसा आपको हर साइज के कटोरी में करना है। अब चूंकि इसका डॉट लेना है तो मैं इसका डॉट सेंटर से यहाँ पर से 2 इंच ऊपर लूँगा और नीचे के साइड में 1.5 इंच,
यानी कि टोटल जो इसकी लेंथ है ये 3.5 इंच होनी चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ पर से पहले इसको सीधी लकड़ी खींच लूँगा, यहाँ से इधर आप यहाँ मिला लीजिए और इसको इस साइड मिला लीजिए। ये जो लकीर है इसके सीध में आनी चाहिए, ये इधर। अब क्योंकि मैं इसमें डॉट लूँगा तो इस सेंटर, इसको सेंटर मान के हमको 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड। अब इसको मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ जिसे समझ में आए कि ये हमारा डॉट है। ये देखिए ये हमारा कटोरी पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसको कट करके दिखाता हूँ कि इसका पफ कैसे बना है। देखिए इसका पफ कितना बेहतरीन आया है, ना कटोरी हमारी चेप्टी है ना ही यहाँ पर से हमारे पॉइंट के पास से नोक बन रहा है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटोरी की कटिंग हुई है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट कपड़े में या पेपर में। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, ये वाले हिस्से से कटोरी का जो हिस्सा है इधर से हमारा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से स्टिच करेंगे तो ये राउंड सर्कल होने की वजह से ये हमारा कपड़ा थोड़ा इस साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इसके बराबर रख देंगे यहाँ पर और यहाँ से ही बराबर रहेगा तो कटोरी हमारी खिंचाएगी, और जब भी हमको ब्लाउज की जब कटोरी को सिलना रहता है इससे तो कटोरी को हमको खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के नम हाथों से इसको स्टिचिंग करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर कोई भी सलवट नहीं आएगी। अगर हम कटोरी को खींच के लगाएंगे ऐसे तो यहाँ पर से पूरी सलवटें आ जाएगी, जो ब्लाउज बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं, यहाँ पर से सलवटें रहती हैं। तो देखिए मैंने अभी 5 इंच की कटोरी कटिंग करके बताया है, अब चलिए मैं आपको 6.5 इंच की कटोरी की कटिंग करके बताता हूँ। यानी कि ये तो हमारा 5 इंच छोटे साइज का ब्लाउज का था, अब मैं आपको 6.5 इंच यानी कि हैवी साइज के ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करके बताता हूँ। ये वाला देखिए पोर्शन हमारा सीधा है, तो यहाँ पर से हमको इस साइड में ऐसा उरेब रख लेना है, वहीं यहां से हमको सीधा खींच लेना है लाइन, इधर से भी हमको सीधा लाइन खींच लेना है। गले का डीप मैं इसमें 6.5 ले रहा हूं यहां पर से, और यहां पर से हमको सीधा इधर ले लेना है। क्योंकि मैं हैवी साइज कर कटोरी की कटिंग करके बता रहा हूं, छोटे साइज में मैंने 2.5 इंच लिया था, हैवी साइज में गले का जो फैलाव होता है वो ज्यादा होता है, तो मैं इसमें 3 इंच गले का फैलाव ले रहा हूं। 3 इंच में यहां पर निशान लगा लेना है, यहां पर से इसको राउंड ले लेता हूं मैं। कटोरी हमको निकालनी है 6.5 इंच की, तो 6.5 इंच में यहां पर से मैं निशान लगा लेता हूं और इसको यहां पर से राउंड इसको यहां स्केल से मिला लेंगे। अब इसे हटा लेता हूं, ये हमारी बिना डॉट वाली कटोरी यानी कि फिक्स कटोरी निकल गई है। अब हम इसका सेंटर ले लेंगे, तो 6.5 का सेंटर हो जाएगा 3.25 इंच। अब इस साइड 1/2 इंच, इधर भी 1/2 इंच, और इससे हमको 1 इंच ऊपर यहां से हम सीधा खींच लेते हैं, क्योंकि ये 1 इंच जो ऊपर होता है दोस्तों ये यहाँ पर से हमारा क्रॉस यानी कि बेल्ट के लिए जो शेप बनता है उसके लिए लेना है। तो यहाँ पर 1/4 इंच, इधर भी यहाँ पर 1/4 इंच, ऊपर के दोनों साइड में हमको 1/2 इंच और नीचे के दोनों साइड में हमको 1/4 इंच लेना है। इस साइड हम स्केल से सीधा खींच लेंगे, इस साइड से हमको राउंड सर्कल लाते हुए जहाँ 1/4 इंच में निशान लगाया है हमको वहाँ पर ले लेना है, ये ऐसे। अब हमें इसका डॉट लेना है, तो इसमें भी ऊपर की तरफ सेंटर से 2 इंच, नीचे हमको 1.5 इंच, इसको सीधा खींच लेते हैं। अब ये वाले हिस्से को लाके इसमें मिला देंगे और ये वाले हिस्से को लाके हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पर से 1/4 इंच और इस साइड से 1/4 इंच, ध्यान रखना है
कि दोनों का सेंटर हमारा ये होना चाहिए। अब इसमें भी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, अब इसको कट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब इसको फोल्ड कर लीजिए ऐसा, और डार्ट को मिला के देखिए ये मिल रहे कि नहीं। अगर डार्ट नहीं मिलेगा इस साइड से तो आप यहाँ पर से इसको सीधा कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डॉट दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर से पिन लगा लेता हूँ जिससे कि डॉट सही तरीके से आपको समझ में आए। ये देखिए इसका पब, मैं आपको अब इसको डमी में लगा के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से बैठा हुआ है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई है। इसका पब भी देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है, ना यहाँ पर आपके कोना बनेगा ना कटोरी हमारी चपटी बनेगी। और देखिए क्योंकि ये बिल्कुल आके यहाँ पर सेंटर में आके बिल्कुल सेट हो गया है, ना इसमें कटोरी आपकी चढ़ेगी ना ही कोई भी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही सही तरीके से परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कटोरी की कटिंग किस प्रकार से करना है वो भी बिना छोटी कटोरी निकाले हुए, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आपको कटोरी की कटिंग कैसे करना है समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें, मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।